आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। चलते हैं आज की ताजा खबरों की। सपा जिला अध्यक्ष के भाई को मारी गोली, चुनावी रंजेश के चलते मारी गोली, घायल को जिला चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। थाना जाखलान अंतर्गत ग्राम सेपुरा के घर चुनावी रंजेश थपने का नाम नहीं ले रही, आए दिन हो रही घटनाएं। ऐसा ही एक मामला उस समय प्रकाश में आया, चुनावी रंजेश के चलते ललितपुर के जाखलान थाना अंतर्गत ग्राम सेपुरा में अज्ञात लोगों ने समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष के भाई पुष्पेंद्र यादव गोली मार दी। पुष्पेंद्र यादव की पत्नी इस समय ग्राम प्रधान ने बीती रात उनको गोली मार दी, जिससे घायल अवस्था में उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। गोली लगने से गांव में दहशत का माहौल, वही कार्यकर्ताओं में भारी रोष। वही पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुष्पेंद्र यादव के भाई द्वारा तहरीर दी गई है, जिससे मेडिकल रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता धर्मेश रेखवार की रिपोर्ट। सर, जाखलान थाना क्षेत्र में अंतर्गत एक युवक को सर गोली मारने की घटना प्रकाश में आई, सर क्या मामला है? सर, ग्राम सरपुरा थाना जाखलान में कल 23/8/2021 को देर रात्रि पुष्पेंद्र यादव ने फोन किया था थाने पर, उन्होंने बताया था कि उन्हें गोली लगी। इसके बाद इनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुष्पेंद्र यादव की स्थिति स्टेबल बताई जा रही है। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा मौके का मुआयना किया गया है, घटना स्थल पर मेरे द्वारा मैं गया था। प्रथम दृष्टया जो लोगों से पूछताछ और बाकी सारी चीज़ों से जो बात सामने आ रही है, उसमें पुरानी रंजिश का मामला सामने आ रहा है। जिन विपक्षियों का इनके द्वारा इनकी तहरीर में नाम दिया गया है, उनसे इनकी पुरानी रंजिश रही है। पीड़ित के भाई द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में FSL रिपोर्ट, मेडिकल लीगल रिपोर्ट, इन सबको समाहित किया जाएगा और उस आधार पर पूरी छा आगे बढ़ाई जाएगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.